हाँ तो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो आपके लिए फिर से लेके आया हूँ और इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि आप फोन पे से किस तरीके से मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं GI बाय टेक्निकल सौरभ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा फोन पे अकाउंट में, अपने फोन पे को अपने ओपन करना है। तो चलिए मैं फोन पे को अपने ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा आपका फोन पे दिख रहा है, ये वन ऐड के नीचे फोन पे है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो वन ऐड के नीचे फोन पे पे मैंने क्लिक किया और मैंने अपना फोन पे अकाउंट ओपन किया। और फोन पे अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस हो के आएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक अकाउंट एडेड, वॉलेट एक्टिवेटेड, कार्ड एडेड, ये सब मेरा यानी कि एक्टिवेट है, ये सब शो हो रहा है। यहाँ पे आप मनी ट्रांसफर पे नीचे देख रहे हैं कि टू कॉन्टैक्ट, टू अकाउंट, टू सेल्फ बैंक बैलेंस। तो आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। मैं अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप किसी के बैंक अकाउंट में फ़ोनपे के द्वारा पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो चलिए आपको क्लिक करना है टू अकाउंट पे। टू अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने कुछ नई स्क्रीन ओपन होकर आएगी। यहाँ पे नीचे देख रहा है कि ऐड बैक अकाउंट। आपके पास अगर पहले से आपने किसी के अकाउंट में भेजा हुआ है पैसा तो यहाँ पे पहले वो शो करेगा। जैसे मेरा यहाँ ऊपर 3-4 अकाउंट शो हो रहे हैं। तो चलिए मैं नीचे, मान लीजिए आप न्यू अकाउंट पे, मैं न्यू अकाउंट पैसा भेज कर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। तो ऐड बैंक अकाउंट के ट्रांसफर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नई स्क्रीन आएगी। यहाँ पर IFSC कोड मांग रहा है, IFSC कोड आपको देना है, यानी कि जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उसका IFSC कोड सबसे पहले यहाँ पे डालना होगा आपको। तो मैं IFSC कोड चलिए दे देता हूँ और उसके बाद मैं, हाँ तो दोस्तों मैं IFSC कोड डाल चुका हूँ और उसके बाद यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कर चुका है। यहाँ पे देख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा समूरा UP, यानी कि आप ये जहाँ का शाखा है और यानी कि पूरा उसका एड्रेस यहाँ पे दे रहा है और किस बैंक का है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप करना है। मैं अकाउंट नंबर टाइप कर देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैंने अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दिया है और कंफर्मेशन के लिए फिर दोबारा अकाउंट नंबर यहाँ पे मांग रहा है और मैं कंफर्मेशन के लिए फिर से अकाउंट नंबर दोबारा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यानी कि दोबारा अकाउंट नंबर भी डाल चुका हूँ। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम आपको डालना है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अकाउंट कंफर्मेशन के लिए भी अकाउंट दोबारा से एंटर किया है, उसके बाद अकाउंट होल्डर नाम पूछ रहा है, तो अकाउंट होल्डर नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलिए जो है मैं डालता हूँ। मैंने अकाउंट नंबर यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे एंटर कर दिया है और उसके बाद नीचे यहाँ पे फ़ोन नंबर, उसका अगर ऑप्शनल में कुछ हो तो आप डाल सकते हैं, निकनेम यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि उसका उपनाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे मैं डॉट कर देता हूँ। तो जो आपको लिखना होगा इच्छानुसार लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको कंफर्म नीचे दिख रहा होगा, कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नई स्क्रीन ओपन होकर आएगी उसमें। हाँ तो दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट आप डालेंगे जितना आपको ट्रांसफ़र करना है। मैं एग्जांपल के रूप में दिखा दे रहा हूँ आपको, 2 रुपये करके। और यहाँ पे कुछ आप मैसेज डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो जो भी आपको देना होगा यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सेंड दिख रहा होगा, सेंड पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे आपके सामने नई स्क्रीन ओपन हो गया है कि इसमें आपकी UPI पिन मांगी जा रही है। आपके बाद आपको नीचे टिक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद ट्रांजेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा है। उसके बाद धीमे धीमे कंफर्मेशन का ऑप्शन आने वाला है यहाँ पे। तो जैसे ही कंफर्मेशन आएगा यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो इस तरीके से आप फोन पे, देखिए मैसेज भी आ चुका है कि अकाउंट से पैसा कट गया। तो उसके बाद इस तरीके से आप फ़ोनपे से किसी भी अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी आपके डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट में मुझे बताइएगा। और अंत में एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।